अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यार गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा। यार हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। हमने पूरे 2 साल वेट किया इस चीज़ के लिए। यार सबसे पहले तो आप करें सब्सक्राइब और वीडियो को ठोकें लाइक। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, दिखा दूँ ये देखें यार, गिगली ने माशाल्लाह 4 बच्चे दिए हैं। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसने जो है वो दिए बच्चे। तो मैंने जो है वो ये वाला कार्टन जो है वो सिलेक्ट किया, इसने बल्कि ये सिलेक्ट किया। हमने तो इसके लिए ये वाला कार्टन रखा हुआ था, तो ये तो इतना वो उसको पसंद नहीं आया। पहले तो वो अपने लीटर में बैठ गई, फिर मुझे हमें पता लगा कि इसने जो है वो बेबी डिलीवर करने हैं। तो फिर मैं नीचे से भाग के जाके कार्टन लेके आया, उसमें कपड़ा वगैरह बिछाया और फिर उसको वहाँ पे उसकी कंफर्टेबल जगह पे रख दिया और वो बैठ गई। और ये कुछ जो है उनकी जो है वो आमद के लिए सेलिब्रेशन की है, थोड़ी सी वो कार्ड्स वगैरह बनाए हैं, थोड़ी सी उनका ये जो दूसरा घर जो उनका होगा। आपको पता होगा कि जो कैट होती है वो अपनी 7 जगहें बदलती है, तो वो दूसरा घर जो होगा उसका वो ये होगा, तो इसलिए जो है हमने वो यहाँ पर वो लगा दिए। अब एक बार फिर मैं आपको अच्छे से जो है वो दिखाता हूँ। अब ना वो ज़रा सो गई है, क्योंकि जब ये बेबीज डिलीवर करती हैं तो फिर सो जाती हैं। नहीं नहीं ठीक है, वो सो रहे हैं, नहीं होता कुछ। अच्छा अच्छा अपने ना अभी चुप कर दो। वो आपको बता दूं कि 2 जो बेबी हैं वो वाइट कलर के हैं, और एक ये आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह के कलर के, ये 2 हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमें 2 साल बाद जो है वो गिगली ने गुड न्यूज़ दी है। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं इनकी सारी जो है वो आपको देता रहूँगा, इनकी सारी रिपोर्ट, सारी जो है ना वो इनकी प्रोग्रेस ग्रोथ वगैरह सब कुछ आपको जो है ना वो मैं डे बाय डे दिखाता रहूँगा। तो अभी मैं कैमरा रख देता हूँ ताकि ये डिस्टर्ब ना हो और इसके बेबी भी ना डिस्टर्ब हो। तो उन्होंने तो एक तो इन्होंने आते साथ ही जो है ना वो दूध वगैरह भी पीना शुरू कर दिया हुआ है। अभी हमने इसकी जगह भी सही करके बनानी है, एक बड़ा सा कार्टन हमने अरेंज किया हुआ है, मगर अभी ये उठ नहीं रही तो बाद में करेंगे। तो अब मैं आपको थोड़ी देर बाद ही मिलूँगा। फोन नहीं की थी, गरम है तो मैं रुक जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार मैं जो है वो 3-4 दिन हो गए, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। तो मैंने उस दिन व्लॉग बनाया था जिस दिन ये गुड न्यूज़ हमें मिली थी, लेकिन वो मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत बिजी था, क्योंकि पढ़ना भी होता है तो 9th की पढ़ाई आप लोगों को पता है कितना बर्डन ऊपर पड़ा होता है, तो इसलिए टाइम नहीं था। इस वजह से जो है वो मैंने वीडियो फिर नहीं अपलोड कर सका, एडिट कर सका। लेकिन आज 4 दिन बाद फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस दिन की भी 2-3 मिनट की वीडियो वो भी लगा दूंगा, और आज भी बना रहा हूँ, आज आपको अच्छे से दिखाता हूँ। 3-4 दिन के हो गए गिगली के बच्चे, तो गिगली ने दिए माशाल्लाह से बच्चे, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसके बच्चे। गिगली देखे माशाल्लाह सारे पी रहे हैं दूध, कैसी आवाज़ निकाल रही हो। तो इनके नाम आप लोग भी बताएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इनके नाम भी रखेंगे। तो आप लोगों को याद होगा पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि गिगली का एक सरप्राइज़ मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में, जो गांव की सैर वाली वीडियो, उसमें तो ये थी वो बात। गिगली ने जो है माशाल्लाह से 4 बच्चे दिए हैं, और 2 सालों के बाद इसने अब जो है वो बच्चे दिए हैं। तो देखें अल्लाह का शुक्र है 4 बच्चे। और आप लोगों को याद होगा माइलो भी वाइट कलर का था,
और ये भी वाइट कलर की है, वो अभी है लेकिन वो अपने घर में है। लेकिन इसके बच्चे देखें दो जो है वो कलरफुल निकले हैं। तो देखें अल्लाह की कुदरत, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं फबिअय्यि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। देखें माँ भी वाइट और बाप भी वाइट, लेकिन बच्चे जो हैं वो कलरफुल और दो वाइट हैं। तो ये था जी हमारा छोटा सा व्लॉग गिगली के ऊपर जो इसने दिए बच्चे। और बस क्या आप लोगों को कहूँ, तो आप लोगों ने वीडियो में नीचे कमेंट लाजमी करने हैं कि इसके बच्चों का हम क्या नाम रखें, तो फिर जो आप कहेंगे वही नाम हम इसके बच्चों का रखेंगे। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।